bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार, हम सुनाएंगे रियासी में जो लश्करे तौबा आतंकवादी ने जो बस पर हमला किया उसमें पुलिस का स्टेटमेंट। पुलिस ने क्या कहा, स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, घायल दो घायल हैं, एक ज़्यादा घायल वह अस्पताल में है और एक कम घायल है, दोनों का स्टेटमेंट। और वहाँ के पूर्व सरपंच, उस गांव के पूर्व सरपंच ने क्या कहा, तो सरपंच ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा और घायलों ने क्या कहा, यह आपको दिखाएंगे। लेकिन घटना का संक्षिप्त में समझ लीजिए कि पहले आतंकवादी यानी लश्कर ए तौबा के आतंकवादियों ने पहले ड्राइवर के सर पर गोली चलाई, ड्राइवर अब नियंत्रण खो दिया, बस खाई में गिर गई। लेकिन बस खाई में गिरने के बाद भी उन्होंने गोलाबारी जारी रखा। तो सबसे पहले सुनिए आप घायलों का स्टेटमेंट। घायल क्या कहते हैं, दो घायल हैं। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी आपको कुछ फायरिंग हुआ है, ड्राइवर को गोली लग गई थी, पायलट उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। काफ़ी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। और शिवपोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा तब भी जो 10-15 मिनट तक और फायर हुआ, पर में 4 लोग थे, ये चारों लोग ये कि सुरक्षित हैं हमारे, चोट लगा हुआ है सबको लेकिन ठीक है। तो झलक जो फायर हुआ नजर उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए, लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पर उसने ये पत्थर पे, तो उस दरवाजे से निकला तो क्या वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है वो मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी तो कुछ कदम की दूरी पे, तो ये जो निकला तो फिर नीचे नीचे जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे लोग। अब सुनिए सरपंच, यह पूर्व सरपंच है, पूर्व सरपंच ने क्या कहा, यह आई विटनेस है, यह खुद उन्होंने वहाँ देखा है, वह आंखों देखी हाल सुना रहे हैं। तो सरपंच यानी पूर्व सरपंच क्या कह रहे हैं। सर मेरा नाम भूषण उप्पल है, मैं एक्स सरपंच हूँ यहाँ के अर्जैनी एरिया 3-8 का। भूषण जी, कल आप यहाँ जब पहुँचे थे तो क्या सिचुएशन थी, क्या बताया गया था और आपने क्या देखा उसका। सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिट्री ने अटैक कर दिया, तो हम भागे भागे यहाँ जहाँ पे आ गए, सभी लोग जो है मेरे साथ में करीब 40-50 के करीब लोग आए, उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 3-8 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते
ही पहले जो बचे हुए लोग थे जो जख्मी थे उनको उनका रेस्क्यू किया और यहां से शिफ्ट किया सीएससी 38 में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहां से डेड बॉडीज निकाली और जहां से चार डेड बॉडीज जो है वो 38 सीएससी में शिफ्ट कर दी गई और पांच को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की गई। जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 38 शिफ्ट किया और 38 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको इंजोरी थी कुछ को जम्मू कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब जहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है जहां इस स्पॉट पे पहुंची है तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो है वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो गई। और अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है, यह है स्पेशल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का क्या बयान है। जो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कम्प्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ये श्रद्धालु है, कहाँ जा रहे हैं ये? लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है दे मे बी बिलोंग टू यू। मैम कुछ इनपुट्स थे क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो है सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी। लश्कर-ए-तैयबा जानबूझकर या आतंक का हमला उस दिन किया जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, यानी भारत में नरेंद्र मोदी के आने से सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान को होती है और इसीलिए तो हम मोदी जी को चुनते हैं ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा तकलीफ़ हो, आतंकवादियों को ज़्यादा तकलीफ़ हो। आतंकवादियों को जलाने के लिए, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए मोदी जी को चुनते हैं और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान में दिल फड़फड़ाने लगा और पैर कांपने लगा, तो उन्होंने सोचा या आतंकवादी कायर की तरह, एकदम कायर, डरपोक की तरह एक कायर आतंकवादी भारत के नरेंद्र मोदी को बदनाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले यही कांग्रेसी, यही देशद्रोही पार्टी जो नेहरू से लेकर आज तक गद्दारी के सिवा कुछ नहीं किया, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं, जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, पन्नों के पैसे पर पलते हैं, यह कांग्रेसी क्या कहते हैं, ये खड़गे ने इनका मजाक उड़ाया, यानी खड़गे आतंकवाद को समर्थन करते हैं। वह कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, हम नहीं चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी बन गए, तो अगर आतंकी हमला हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। यानी वह मोदी जी के शपथ ग्रहण को पनौती, वही पनौती वाला स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। तो इस तरह के देशद्रोह जब तक रहेंगे तब तक ऐसे आतंकवादी हमला होता रहेगा। इसलिए अगले चुनाव में देखिएगा
यह जो आतंकवादी पार्टी है, यह आतंकवादी के साथ खड़े होने वाले पार्टी एकमात्र कांग्रेस, उसका सफाया करना है। वरना यह खड़े, हालांकि खड़गे को छोड़िए, खड़गे तो वही कहेंगे जो सोनिया गांधी कहती रहती है। सोनिया गांधी के कहे बिना खड़गे एक पंखा और बत्ती का स्विच भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वह टॉयलेट भी नहीं जा सकते। तो वह सोनिया के इशारे पर कहते हैं, क्योंकि यह पालतू है। एक वो कहा था ना, कुत्ते को उठाओ, तो वही चीज़ है, वही कह रहे थे खड़गे, कह रहे थे कुत्ते को उठाओ, वह भौंके तो वह ठीक है। तो यह सोनिया गांधी ने कुत्ता तो उठाया तो भौंकना शुरू कर दिया, तो वह कह रहे हैं यह बहुत अच्छा हुआ। यानी वह आतंकवाद पर जश्न मना रहे हैं कि मोदी की बदनामी हुई, लेकिन इस बात से वह बेफिक्र हैं कि कितने लोगों की मौत हुई। जो 9 लोगों की मौत हुई उस पर कोई दुख नहीं है, उन्हें खुशी है कि मोदी की बदनामी हुई। तो इस तरह से देशद्रोह लोग हमारे देश में हैं, तो इनका जब तक ये रहेंगे तब तक तो पाकिस्तान खुश है। और वह पाकिस्तान इसी देशद्रोह पार्टी को लाना चाहता था, तब पाकिस्तान बहुत खुश होता, मिठाइयाँ बांटता। लेकिन अब मिठाइयाँ बांटने का समय नहीं है, ये गोली चलाते हैं, क्योंकि वह खुद आतंकित हैं कि मोदी जी सब आ गए, अब न जाने क्या होगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।